नमस्कार, वेलकम टू भूगोलशाला। मैं हूँ पूनम यादव। तो आज की क्लास को देखते हैं हम। भारत का भौगोलिक विभाजन पढ़ रहे थे। हमारी सीरीज चल रही है जिसमें सबसे पहले उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला यानी हिमालय पर्वत के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हिमालय पर्वत के चार पार्ट्स हैं, वृद्ध हिमालय, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। शिवालिक के जस्ट बाद में जो भौगोलिक विभाजन आपको देखने को मिलेगा वह है उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो आज की क्लास में हम उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर भारत का विशाल मैदान किस प्रकार से निर्मित हुआ? भारत का उत्तरी मैदान तीन मुख्य प्रणालियों से बना हुआ है, सिंध नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये मैदान लाखों वर्षों के दौरान ये नदियां जो अपने अवसाद लेकर के आई हैं, जो जलोढ़ मिट्टी है उनके जमाव के कारण से निर्मित हुआ है। तो जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? जल के द्वारा उढ़ेली गई मिट्टी या जल के द्वारा निक्षेपित की हुई जो मिट्टी होती है उसे कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। यानी जल के द्वारा उढ़ेली हुई मिट्टी के निक्षेपण से जो मैदान निर्मित होते हैं उसे कहते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ से आती है? जब पर्वतीय एरिया से नदी जब नीचे उतरती है तो अपने मार्ग में बहुत सारे अवसाद जो आ रहे होते हैं, मोटे कंकड़ पत्थर होते हैं या बारीक बजरी या रेत या अवसाद जो भी मार्ग में आ रहा होता है, तो नदी अपनी स्पीड के कारण से उनको बीच में से बहा करके उठा करके ले आती है। और जब ढाल मंद होता है तब क्या करती है, नदी की स्पीड है वो स्लो हो जाती है। स्पीड स्लो होने के बाद में उसकी कैपेसिटी है और वजन ढोने की या भार को आगे बहा कर ले जाने की वो खत्म हो जाती है और वो वहीं पर जहां पर ढाल मंद होता है वहीं पर मोटे कंकड़ पत्थरों का जमाव कर देती है। थोड़ा आगे जाकर के क्या करती है, मिट्टी का जमाव कर देती है। इसी प्रकार से मैदान का निर्माण होता है। तो उत्तरी मैदान का कुल क्षेत्रफल है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर का होता है। इस मैदान की जो लंबाई है यानी पूर्व से पश्चिम तक इसकी जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है और 240 से लेकर के 320 किलोमीटर तक ये मैदान चौड़ा है। यानी ऊपर जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के और दक्षिण में पठार तक की जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है, 320 किलोमीटर चौड़ाई है। तो उत्तरी मैदान को तीन भागों में बांटा जा सकता है, सिंध का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो पूर्व की तरफ कौन सा है, ब्रह्मपुत्र का मैदान, बीच में क्या है, गंगा का मैदान और पश्चिम की तरफ सिंध का मैदान आपको मिलता है। यहां देखो भारत का भौगोलिक विभाजन, ये पर्वतमालाएं हैं जिसको हम कवर कर चुके हैं, ये है नॉर्दर्न प्लेन। तो मैदान में ये सिंधु का मैदान, सिंधु नदी, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। मैदान इन नदियों के माध्यम से ही बनते हैं। इसकी चौड़ाई है वो 320, कहीं पर 320 है तो कहीं पर ये कम भी मिलेगी। तो 240 से लेकर के 320 किलोमीटर का एरिया इसके अंतर्गत आता है। लंबाई के आधार पर यानी पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई है वो 2400 किलोमीटर होती है। आप देखो आकृति की भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को चार भागों में डिवाइड किया गया है। इसकी जो फॉर्मेशन है या फिर इसमें जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं इस आधार पर मैदान के भी चार हिस्से किए गए हैं, भाबर, तराई, बांगर और खादर। भाबर, तराई, बांगर और खादर। तो भाबर प्रदेश क्या होते हैं, भाबर होते हैं जो पर्वत से जस्ट नीचे उतरते ही नदियां क्या करती हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जब नदियां नीचे उतरती हैं तो उनकी ढाल मंद होने के कारण से उनकी स्पीड है वो कम हो जाती है और जब स्पीड कम होती है तो सबसे पहले वो जो ज्यादा वजन वाले जो पत्थर थे, मोटे कंकड़ पत्थर जो मोटे मोटे होते हैं उनको वो वहीं पर गिरा देती है और गिराने के कारण से वहां पर नदियां हैं वो उन पत्थरों के अंदर से ही बह रही होती हैं। तो नदियां हैं वो हमें दिखाई नहीं देती हैं। यहां देखिए इस क्षेत्र में आने वाली सभी सरिताएं हैं वो विलुप्त हो जाती हैं, वो खत्म थोड़े होती हैं, बस दिखाई नहीं देती हैं। क्यों? क्योंकि वो मोटे कंकड़ पत्थरों के नीचे बह रही होती हैं। छोटी नदियां तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती हैं, बड़ी नदियों में जल अधिक होने के कारण से वो फिर भी हमें ऊपर दिखाई देती हैं इन कंकड़ पत्थरों के। ठीक है, इस पट्टी की चौड़ाई है वो 8 से 16 किलोमीटर तक की है और ये शिवालिक के समानांतर पश्चिम से पूर्व फैली हुई होती हैं। ये नदियां एक संकरी गुट्टिकाओं के यानी एक पट्टी के रूप में होती हैं शिवालिक के समानांतर। तो भाबर प्रदेश क्या होता है, जब ऊपर से नदियां नीचे आती हैं तो ढाल का मंद होने के कारण से नदी की स्पीड स्लो हो जाती है, ऐसे में वो मोटे कंकड़ पत्थरों का वहीं पर जमाव कर देती हैं भाबर प्रदेश में। अब मैंने अभी आपको बताया कि यहां पर मोटे कंकड़ पत्थर आपको मिलते हैं, ठीक है,
मोटे कंकड़ मिलेंगे या फिर बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे। ठीक है, जब ये दोनों यहां पर मिल रहे हैं इट मीन्स यहां पर मिट्टी नहीं मिलती है, मृदा का यहां पर अभाव मिलता है। और जब मृदा नहीं है तो यहां पर वनस्पति भी नहीं है, और वनस्पति नहीं है तो यहां पर जीव भी नहीं मिलेंगे आपको, जीव नहीं मिलेंगे और मनुष्य नहीं मिलेंगे। अब जैसे मृदा नहीं है तो खेत भी नहीं मिलेंगे, मीन्स यहां पर फसल का उत्पादन भी नहीं होता है, और खेत नहीं है और खाद्यान्न नहीं है, इट मीन्स यहां पर जनसंख्या भी नहीं मिलती है। ठीक है, तो जनसंख्या भी यहां पर नहीं मिलती है भाबर प्रदेशों में, जो पर्वत का प्लेन एरिया होता है, पर्वत पदीय जो क्षेत्र होता है, गिरिपथ क्षेत्र जिसको कहते हो आप, तो उसमें भाबर प्रदेश वो कहलाता है। अब आगे आता है तराई। तराई क्या होता है, ये तो आप नाम से ही जान गए होंगे, तराई क्या होता है, जहां पर पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ होता है। तो तराई क्षेत्र क्या होता है, भाबर के दक्षिण में स्थित यह क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में सरिताएं फिर से निकलती हैं और इस क्षेत्र को एक नम और दलदली भूमि बनाती है। तो तराई क्या होता है, तराई भाबर के ही दक्षिण का हिस्सा है। अब मोटे कंकड़ पत्थरों का जमाव उसने वहां पर कर दिया है, अब क्या करेंगे, अब इस वाले एरिया में तराई क्षेत्र में नदियां हैं वो वापस से प्रकट होती हैं, यानी उन कंकड़ पत्थरों से बाहर निकलती हैं। यहां तराई वाला जो एरिया होता है यहां पर ऑलरेडी चिकनी मिट्टी मिलती है, और चिकनी मिट्टी में जब पानी ऐड होता है, चिकनी मिट्टी में जब पानी ऐड होता है तो ये दलदल बन जाता है। ठीक है, दलदल बनने के कारण से यहां पर अनुप यानी लैगून जिसको कहते हो एरिया बन जाता है। तराई क्षेत्र में दलदली क्षेत्र होने के कारण से यहां पर सघन वनस्पति देखने को मिलती है आपको, वनस्पति यहां पर अधिक मिलती है और घास मिलती है, अलग अलग प्रकार की घास यहां पर मिलती है, जैसे भाभर घास, कांस घास, हाथी घास। तो घास अगर अधिक मिल रही है इट मीन्स यहां पर वन्य जीव भी अधिक देखने को मिलेंगे। वनस्पति का आवरण है यहां पर अधिक है, और यहां पर नदियां हैं वो वापस से हमें दिखाई पड़ती हैं, जो भाबर में विलुप्त हो जाती हैं वही नदियां यहां पर हमें स्पष्ट देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद आ रहा है बांगर क्षेत्र। तो बांगर क्या होता है, यह सबसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ क्षेत्र होता है। इस मैदान का सबसे बड़ा क्षेत्र है, यानी जो हमने उत्तर भारत का जो मैदान बताया है उसमें एरिया अगर इन चारों भागों में से सबसे अधिक है तो वो बांगर क्षेत्र है। और बांगर क्षेत्र में नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित वाला भाग है। इस क्षेत्र में मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिन्हें कंकड़ कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर तराई के बाद में जब आगे नेक्स्ट चलती है और ढालमंद होता है वहां पर बांगर क्षेत्र होता है, यानी पहले जब बाढ़ का मैदान होता है ये बेसिकली खादर और बांगर, तो जब नदियां अपने अवसाद को लेकर आती हैं और बजरी के समान जो कण होते हैं या फिर उनसे भी थोड़े मोटे कंकड़ पत्थर हो सकते हैं उन्हें जब जमा करती है वो क्षेत्र बांगड़ कहलाता है, जो पुरानी बाढ़ के कारण से निर्मित हुआ क्षेत्र है। यह अनुपजाऊ है, यानी उपजाऊ नहीं है, क्योंकि यह कंकड़ पत्थर होते हैं उनमें तो पानी रिस कर नीचे चला जाता है ना, तो उस मिट्टी के अंदर पानी सोखने की क्षमता नहीं होती है। तो ऐसा जो क्षेत्र होता है वो बांगर कहलाता है। ये बांगर जो मिट्टी है ये ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, ये ऊंचे प्रदेश होते हैं जहां पर बाढ़ का पानी, पहले यहां पर बाढ़ से ही निर्मित हुआ है बांगर, लेकिन अब यहां पर बाढ़ का पानी है वो नहीं पहुंच पाता है, ये ऊंचे प्रदेश होते हैं। ठीक है, इससे नेक्स्ट है खादर प्रदेश। खादर जो मैदान है वो सबसे नई जलोढ़ मिट्टी से बनने वाले जो मैदान है उन्हें कहा जाता है खादर। तो खादर क्या होते हैं, जो बाढ़ नदी जो अपने साथ में अवसाद लेकर आ रही है वो परत दर परत अब भी जमा कर रही है, हर साल वहां पर मिट्टी की परत है वो नई हो जाती है। ठीक है, तो वहां पर उपजाऊ मिट्टी मिलेगी, और उपजाऊ मिट्टी होने के कारण से यहाँ पर कृषि का और जनसंख्या का जमावड़ा है वो आपको अधिक मिलता है। ये देखिए पिक्चर में देखते हैं, हिमालय पर्वत से जब नदियां नीचे उतरती हैं, बताया आपको मोटे कंकड़ पत्थर होते हैं जो जमाव कर देती हैं, और इनके नीचे से जब नदियां बहती हैं तो हमें दिखाई नहीं देती हैं, ऊपर से दिखाई नहीं पड़ती हैं भाबर प्रदेश में, जो मोटे कंकड़ पत्थर वाला एरिया हमने बताया था। उसके बाद देखिए यहां पर चिकनी मिट्टी होती है प्लस में पानी ऐड होता है नदी वाला, यहां पर नदियां हमें दिखाई देती हैं। ठीक है,
यहाँ पे चिकनी मिट्टी में पानी होता है तो वो क्षेत्र तराई क्षेत्र कहलाता है। तराई क्षेत्र में घास के अधिक मैदान देखने को मिलेंगे और यहाँ पर वन्य जीव है वो भी अधिक मिलेंगे। इट मीन्स यहाँ पर वन्य जीव अभयारण्य भी अधिक मिलेंगे तराई वाले एरियाज में। जैसे जितने भी आपने यूपी वाले या फिर इसके अलावा तराई जो क्षेत्र में आने वाले जो अभयारण्य है वो सभी इसी के अंदर आते हैं। यहाँ पर रामसर स्थल भी अधिक मिलते हैं, यानी तराई वाला एरिया होता है जो दलदली भूमि होती है उसे ही कहा जाता है रामसर भूमि। तो ये तराई क्षेत्र यहाँ पर हाथी घास, कांस घास, भाबर घास, ये सभी घास यहाँ पर आपको मिलती हैं, ये तराई क्षेत्र होता है। इसके बाद आता है बांगर क्षेत्र। तो देखिए ये नदी जब आ रही होती है इस प्रकार से, तब पहले से निर्मित हुए हुए जो बाढ़ के मैदान हैं उन्हें बांगर कहा जाता है, और जब आज निर्मित हो रहे हैं उन्हें कहा जा रहा है खादर। तो पहले वाले जो निर्मित भाग हैं जिन्हें बांगर कह रहे हो वो ज्यादा उपजाऊ नहीं है, और खादर मिट्टी वाला क्षेत्र है जहां पर प्रतिवर्ष है नदी अपनी अपने साथ में लाए हुए अवसाद को या मिट्टी को जमाव करती है, उसे कहते हैं उपजाऊ मैदान खादर का। आगे देखते हैं सिंधु का मैदान। नदियों के द्वारा से मैदान की निर्माण की प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। तो सिंधु नदी का मैदान सबसे पहले होता है, यह उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को बनाता है। यह मैदान सिंधु और उसकी सहायक नदियों झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज के द्वारा बना हुआ है। इसका अधिकतर हिस्सा है वो पाकिस्तान में है, क्योंकि सिंधु नदी का भी मैक्सिमम पार्ट है वो सिंधु में ही अपवाहित करता है, सिंचित करता है पाकिस्तान को। इस मैदान में दोआब की भरमार है। दोआब क्या होते हैं? दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है, ठीक है, इसे जल विभाजक भी कहते हैं। इस प्रकार से देखिए एक तरफ दूसरी नदी का पानी होता है, दूसरी तरफ दूसरी नदी का पानी होता है, आगे जाकर के ये नदियां संगम करती हैं और एक बड़ी नदी का निर्माण करती हैं। तो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसे दोआब कहते हैं। गंगा का मैदान नंबर सेकेंड, गंगा का मैदान, यह मैदान घग्गर और तिस्ता नदियों के बीच स्थित है। भारत के उत्तरी राज्य हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग, पश्चिम बंगाल इसी मैदान में स्थित हैं। ब्रह्मपुत्र का मैदान यह पूर्व में है, और अरुणाचल प्रदेश, असम का भाग है वो इसके अंदर आता है। ब्रह्मपुत्र आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि नामचा बरवा के स्थान से भारत में प्रवेश करती है और दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है। अब देखो हिमालय का अपवा तंत्र, ये क्या होता है अपवा तंत्र? इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम किसे कहेंगे? देखिए जो वाटर चैनल होते हैं छोटे छोटे या फिर बड़े भी हो सकते हैं, वो किसी न किसी प्रकार से एक न एक नदी में समाहित होते हैं। यानी बड़ी नदी होती है वो कैसे बनती है? जब ये छोटे छोटे चैनल है वो आपस में आकर के मिलते हैं, तब एक नई नदी का, बड़ी नदी है उसका निर्माण होता है और आगे उसका प्रवाह होता है। स्पीड के कारण से उसकी कैपेसिटी है वो अधिक होती है और वो आगे फ्लो करती है। तो निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह, वह इन वहीकाओं यानी जो चैनल हैं वाटर चैनल, इन्हीं के जाल को अपवा जाल कहा जाता है या अपवा तंत्र कहा जाता है। तो अपवा तंत्र क्या होते हैं? जो वाटर चैनल हैं वो किसी ने किसी प्रकार से एक दूसरे में जुड़े हुए होते हैं और आपस में, और इन्हीं का जो क्षेत्र होता है जो बहाव क्षेत्र है उसे ही अपवा तंत्र कहा जाता है, यानी ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। तो कुल अपवा क्षेत्र का लगभग 77% भाग है वो बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिलता है, तथा 23% भाग है वो अरेबियन सी में जाकर के अपना जल है उसको मिलाती है या विसर्जित करती है। हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो अपवा तंत्र के मैदान को तीन भागों में विभाजित किया है, सिंध का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। अब पढ़ लेते हैं इसको, सिंध नदी का मैदान। तो सिंधु नदी तंत्र में क्या कौन कौन सी नदियां सम्मिलित हैं और कहाँ कहाँ पर ये सिंधु है इनका अपने अपने जो मैदान है उसका निर्माण करेगी। तो सिंधु नदी के अंतर्गत सिंधु व उसकी सहायक नदियां सम्मिलित हैं, ठीक है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में बोखर चू हिमनद है वहां से निकलती है, और इसकी जो लेंथ है वो 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। पाक अधिकृत जो
भारत है उसको सम्मिलित करते हुए ये केवल भारत में 709 किलोमीटर का एरिया है उसी को सिंचित करती है, उसी में बहती है। और इस जल संग्रहण में 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया है वो आता है। सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं दाएं किनारे से मिलने वाली मीन्स ऊपर से नीचे। सिंधु नदी किधर जा रही है? यहां देखो मानसरोवर झील है, यहां से और कहां जा रही है? पाकिस्तान में, इधर इस प्रकार से जा रही है। तो यहां पर सिंधु नदी है, इसके कुछ नदियां तो उत्तर से प्रवेश करेंगी इसमें, और उत्तर से ही प्रवेश करेंगी तो सिंधु नदी का कौन सा किनारा है? दायां किनारा है, यानी दाईं ओर से इसमें मिलने वाली नदियां हैं। तो शोक नदी, हुंजा नदी, गिलगित नदी, स्वात नदी, कुनार नदी, काबुल नदी, कुर्रम नदी, गोमल नदी और झोंब नदी, ये इसमें उत्तरी किनारे से मिलने वाली नदियां हैं। दक्षिणी किनारे से मिलने वाली नदियां जास्कर श्रेणी के नाम पर रखा गया है, जास्कर नदी का नाम। सुरू नदी जिस पर कारगिल अवस्थित है, ठीक है, तो सुरू नदी, सून नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी, ये सभी नदियां चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सभी जो नदियां हैं वो जाकर के इसमें दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती हैं ये नदियां, और जाकर के किसमें मिलती हैं? सिंध नदी में। तो बाएं किनारे से मिलने वाली जो नदियां हैं वो दक्षिण से ऊपर की ओर सिंधु नदी में मिलती हैं, और उत्तर से दक्षिण की ओर जो मिलने वाली नदियां हैं वो इसके दाएं किनारे से मिलती हैं। देखो सिंधु नदी निकलती है तिब्बत की मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील के पास में हिमनद है बोखरचू, यहां से निकलती है और ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती हैं और अरेबियन सी में मिलती हैं। यहां देखो इसके उत्तरी किनारे से मिलती हैं कुछ नदियां और कुछ दक्षिणी किनारे से मिलती हैं। तो दक्षिणी जो किनारा है, जो इसका जो बायां किनारा है, या आप दक्षिण से बोल सकते हो या फिर इसका बायां किनारा बोल सकते हो, तो दक्षिण से जो नदियां मिलने वाली हैं वो झेलम है, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये पांच नदियां जो पांच नदियों के संगम पर ही पंजाब स्थित है। तो ये नदियां, पांचों नदियां एक साथ में मिलकर के एक शाखा के रूप में मिलती हैं मिथानकोट के पास। मिथानकोट पाकिस्तान का एक स्थान है जहां पर ये पांचों नदियां जाकर के सिंधु नदी में मिलती हैं, और अरब सागर के पास सिंधु नदी अरब सागर में जाकर के मिलती है पाकिस्तान में बहते हुए। ये सिंधु नदी तंत्र, इसकी सहायक नदियां दिखाई हुई हैं, राक्षस ताल, यहां से सतलज नदी निकलती है, उत्तरी किनारे से मिलने वाली नदियां और इसके दक्षिण किनारे से मिलने वाली नदियां, ये मानसरोवर झील, बोखरचू, हिमनद। आगे चलिए, ये है सिंधु जल समझौता। सन 1960 में हुए सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत सिंधु व उसकी सहायक नदियों में झेलम, चिनाब नदी का 20% पानी ही केवल यूज कर सकता है, लेकिन इसके साथ देखिए रावी नदी का जो जल है उसका 80%, रावी और सतलज जो नदी है उनका 80% जल है वो भारत यूज कर सकता है, लेकिन सिंधु का 80% पानी कौन यूज करेगा? पाकिस्तान यूज करेगा। तो सिंधु नदी भारत से होकर के पाकिस्तान में होकर के अंततः कराची के निकट अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। अब यह आ गया है दोआब। तो पीछे मैंने आपको पढ़ाया दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच में स्थित जो भूमि होती है उसे दोआब कहते हैं। इसका अच्छा उदाहरण उत्तर भारत में सिंधु नदी के दोआब है। तो देखो यहां लिख लो, नोट डाउन कर लेना इनको, कुछ नदियां हैं जो इसके सहायक नदियां हैं जो दोआब बनाती हैं, रावी नदी और व्यास नदी के बीच में एक दोआब बनता है। अब व्यास नदी और सतलुज नदी के बीच में एक दोआब बनता है। रावी के बीच और चिनाब के बीच एक दोआब बनेगा, चिनाब और झेलम के बीच एक दोआब बन रहा है। देखो इन नदियों के नाम के जो फर्स्ट लेटर है उन्हीं को मर्ज करके इनका नाम दोआब का रखा गया है। तो रावी और व्यास के बीच में बारी, बासे व्यास और रासे रावी,
तो बारी दोआब किससे बना हुआ है? रावी और ब्यास के बीच में है, ब्यास और सतलज के बीच में बिस्त दोआब है, यानी बी से ब्यास और सतलज, सत से सतलज, रावी और चिनाब इसमें बना हुआ है रेचना, ठीक है। चिनाब और रावी के बीच में, चिनाब और झेलम के बीच में चाज दोआब बना हुआ है, चाज, ठीक है। और एक जो दोआब है वो तीन नदियों के द्वारा बना हुआ है, झेलम, चिनाब और सिंधु नदी। इस दोआब का नाम है सिंधु सागर, सिंधु सागर दोआब इन तीनों नदियों के संगम पर बना हुआ है। इसके बाद दूसरा अपवाह तंत्र आता है बड़ा गंगा। देखिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रह्मपुत्र वाला है वो तो चीन से आता है हमारे पास में, और सिंधु है वो भारत में से गुजरते हुए भी पाकिस्तान में ज़्यादा एरिया कवर करती है। गंगा नदी है वो सर्वाधिक सिंचित करती है भारत को। तो पढ़ लेते हैं, गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमनद से निकलती है, ठीक है। ये इसका उद्गम क्षेत्र है गंगोत्री हिमनद, यहाँ इसे भागीरथी के नाम से जानते हैं, यहाँ इसे गंगा के नाम से नहीं जानते, अभी इसका गंगा नाम नहीं पड़ा है। देखो दो शाखाएं होती हैं, एक भागीरथी और दूसरी है अलकनंदा, और भागीरथी इनके संगम क्षेत्र यानी इलाहाबाद में, इनका क्षेत्र यानी इलाहाबाद नहीं, सॉरी, देवप्रयाग में, देवप्रयाग एक स्थान है वहां पर गंगा का नाम पड़ता है और इनकी संयुक्त धारा है उसी को गंगा कहा जाता है। इलाहाबाद के निकट गंगा यमुना से मिलती है, यानी यमुना नदी है वो इस गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और इलाहाबाद के निकट दक्षिण से आकर के यमुना इसमें विलीन होती है जिसे संगम या प्रयाग कहा जाता है। पश्चिमी बंगाल में ये गंगा नदी फिर दो धाराओं में बढ़ जाती है, एक शाखा होती है उसको वापस से भागीरथी कहा जाता है और दूसरी को हुगली नदी कहा जाता है। तो एक शाखा हुगली के रूप में अलग होती है और दूसरी इसकी मुख्य धारा है वो भागीरथी रूप में आगे बढ़ती है। तो गंगा की सहायक नदियां देख लेते हैं, दाएं किनारे से मिलने वाली जो नदियां हैं इसका दाएं किनारा कौन सा होएगा? दक्षिण की तरफ वाला होएगा। क्यों? क्योंकि गंगा नदी है उसका अपवाह क्षेत्र है वो पश्चिम से पूर्व की ओर दक्षिण की ओर है, ठीक है, इस प्रकार से आती है। तो इसके उत्तरी किनारे से मिलने वाली जो नदियां हैं उनके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। गोमती नदी, पहले सबसे पहले घाघरा नदी, गोमती नदी, गंगा गंडक नदी, बूढ़ी गंगा और कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहते हो, महानदा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। पूर्व में सबसे लास्ट में इसमें ब्रह्मपुत्र नदी ऐड होती है और उसके बाद में ये दोनों नदियां मिलकर के सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी बंगाल में विश्व प्रसिद्ध डेल्टा है, ठीक है। तो बाईं ओर से इसमें किनारे में मिलने वाली नदियां यानी ये दक्षिण से यहां पर प्रवेश करेंगी। तो यमुना नदी सबसे पहले इलाहाबाद के पास यहां पर मिलती है इनसे, और सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी है गंगा नदी की, टॉन्स नदी, सोन नदी, केन नदी, ये पठारी रीजन से आकर के उत्तर की ओर बहती हैं जो गंगा नदी में मिलती हैं। आगे देखिए, ये नदी यहां से गंगोत्री हिमनद से निकलती है, गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा दोनों के संगम से गंगा नदी बनती है। उसके बाद में इसकी जो सहायक नदियां हैं गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, नोट कर लीजिए, ठीक है। प्रयाग के पास में यहां पर यमुना यहां प्रवेश करती है, पटना फरक्का है यहां पर, दामोदर नदी इसमें मिलती है और पूर्व से ब्रह्मपुत्र नदी इसमें मिलती है, और बांग्लादेश में जाकर के यह नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा के मैदान को भी तीन भागों में बांटा गया है। ऊपरी गंगा का मैदान यानी यूपी वाला जो एरिया है, पश्चिम वाला जो एरिया पड़ता है यूपी वाला, वो ऊपरी गंगा का मैदान कहलाता है, जैसे रुहेलखंड का अवध का मैदान नाम से भी जाना जाता है। मध्य गंगा का मैदान है वो पूर्वी बिहार और उत्तर प्रदेश का जो रीजन है वो इसमें भी आता है, और निम्न गंगा का मैदान है वो वेस्ट बंगाल वाला मैदान आता है। इसके मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं गंगा नदी के। तो गंगा नदी का ऊपरी मैदान का जो ढाल है वो अत्याधिक है, ठीक है। गंगा नदी का मैदान बहुत उपजाऊ है, इसमें बहुत सी नदियां बहती हैं जो पीछे आपको अभी बताई, इसकी सहायक नदियां। नेपाल के निचले हिस्से में होने की वजह से यह इसमें तराई क्षेत्र मिलता है, यह सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र है।
तो भारत में सबसे ज्यादा सिंचित करने वाली नदी भी गंगा नदी है, इसी का अपुआ क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा मिलता है। अब तीसरा तीसरा जो पार्ट है वो ब्रह्मपुत्र का मैदान है। यह मैदान ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा अपवाहित किया गया विशाल मैदान का सुदूर पूर्वी भाग है। तो सबसे पूर्व में ये मैदान निर्मित हुआ है। मैदान का सामान्य ढाल दक्षिण पश्चिम की ओर बंगाल की खाड़ी की तरफ है। ढाल प्रवणता कम होने के कारण से इस क्षेत्र में कई नदी द्वीप बने हुए हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है विश्व प्रसिद्ध माजुली द्वीप। तो माजुली द्वीप क्या क्या है? सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो नदी के बीच में निर्मित है। मैदान का जो ढाल है वो मंद होता है और उसके कारण से जो तलछट जमा होता है उसके कारण से बीच में जो द्वीप निर्मित हुआ है उसे कहा गया है माजुली द्वीप, जो नदी द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा। ब्रह्मपुत्र नदी का जो अपवा क्षेत्र है या सिंचित क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा असम में आपको मिलता है। असम के उत्तरी किनारों का ढाल खड़ा है, परंतु दक्षिणी किनारों का ढाल है वो मेघालय की तरफ वाला ढाल है, वो मंद पाया जाता है। यह मैदान भारत के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है। यहाँ पर मुख्य रूप से चावल और पटसन की खेती की जाती है। ब्रह्मपुत्र के जो कुछ मैदान हैं उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित संकों के निर्माण से प्रवाह मार्ग में अवरुद्ध हो जाने के कारण से गोखुर झील का निर्माण बिल या दलदली या तराई क्षेत्र बन जाते हैं। तो इसे हम देख लेते हैं। देखो संकु क्या होते हैं? इस प्रकार की कुछ स्थलाकृतियां बन जाती हैं। जब ऊपर से नदियां बहकर आती हैं तब वो अपने प्रदेश में मोटे कंकड़ पत्थर होते हैं जिनकी मात्रा कम होती है बहाकर लाए हुए, उनको पहले जमा कर देती है, फिर बारीक कंकड़ पत्थरों का जमाव करती है, फिर उससे भी बारीक महीन कण होते हैं, फिर बारीक मिट्टी होती है। इस प्रकार से एक शंकु का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी जब आती है अपने मार्ग में इस प्रकार से बहती हुई, तो इस प्रकार से नदी एक मोड़ लेती है, एक ढाल, किसी ढाल के सहारे इस प्रकार से जो विशर्प बनता है उससे, और ये विशर्प अधिक बन जाने के कारण से, यानी ये मोड़ अधिक पड़ जाने के कारण से नदी इस प्रकार से बह रही होती है, और ढाल यहां यहां पर शंकु बन गया, तब नदी अपना मार्ग है वो परिवर्तित कर देगी। लेकिन पहले यहां पर नदी का पानी था तो यहां पर झील का निर्माण हो जाता है, जिसे कहा जाता है गोखुर झील, ऑक्स ब्लो लेक इसे कहते हैं। ठीक है, ऑक्स ब्लो लेक किसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गोखुर यानी गाय के खुर के जैसी स्थलाकृति का निर्माण करती है। बिल क्या होता है? बिल मैदानी क्षेत्र को ही कहते हैं जो थोड़ा ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र होता है। दलदली क्षेत्र या तराई क्षेत्र जो होता है उसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किया जाता है। यहां देखिए तिब्बत की जो मानसरोवर झील है वहीं के चेम युंग डुंग हिमनद से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, और तिब्बत को सिंचित करते हुए यह नामचा बरवा जो श्रेणी है उसके पास में गार्ज से भारत में प्रवेश करती है। इसमें जो भारत के ये उत्तरी इसके जो बाएं किनारे से मिलने वाली नदियां हैं वो दिहांग, दिबांग और लोहित नदियां हैं मिलती हैं, और इसके राइट किनारे पे मिलने वाली सुबनसरी, कामोंग, मानस, संकोस इस प्रकार की नदियां इसमें आकर के मिलती हैं। और भारत में जो तिब्बत नदी है उसको लाल नदी के नाम से भी जानते हैं। क्यों कहते हैं इसको लाल नदी? क्योंकि असम में यहाँ लाल मिट्टी अधिक मिलती है और लाल मिट्टी में प्रवाहित होके आती है, तो इसका पानी का जो कलर है वो लगभग रेड मिलता है, इसलिए इसे लाल नदी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर तिस्ता नदी भी ब्रह्मपुत्र में आकर के प्रवेश करती है। गंगा नदी है वो भी इसके दाएं किनारे से आकर के मिलती है। देखो गंगा नदी को जो पश्चिमी बंगाल है उसमें भागीरथी कहते हैं, और बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं। ये गंगा ही है जिसका नाम क्या है? पद्मा है। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पद्मा और जमुना दोनों नदियां मिलती हैं कहां पर? ग्वालंदो नामक स्थान पर। ग्वालंदो नाम का एक स्थान है बांग्लादेश में जहां पर जमुना यानी कि ब्रह्मपुत्र, पद्मा यानी गंगा नदी और दोनों मिलती हैं, और सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता
करती हैं। ठीक है, हमने ये नदियां क्यों पढ़ी, पहले बता चुकी हूं कि नदियों के द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण होता है या जिस जो अपने साथ में अवसाद को बहा कर लाई थी उसके कारण से मैदान का निर्माण होता है, और इसी के कारण से हमने इसके अपोहा तंत्र पढ़े हैं, क्योंकि जहां जहां पर नदियों का प्रवाह क्षेत्र होगा वहां वहां पर उनके द्वारा अपर्दित करके लाए हुए जो स्थल के टुकड़े हैं या मिट्टी है या बारीक महीन जो कण है या अवसाद है उनको क्या करेंगी, वो जमा करेंगी, और इन्हीं स्थान पर प्लेन वाला एरिया मिलेगा, उपजाऊ भूमि मिलेगी, मृदा का निक्षेपण यहाँ मिलेगा, और इसी को कहा जाता है उत्तर भारत का मैदान। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। ये देखो क्वेश्चन ऑफ द डे, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, व्यास नदी का, चिनाब नदी का, रावी नदी का या फिर सतलज नदी का? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके साथ ही धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.